नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। सातवीं जेपीएससी को लेकर अपडेट है कि विधानसभा सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सातवीं जेपीएससी पर नियमावली को बिना सुधारे हुए कोई नोटिफिकेशन नहीं लाई जाएगी और ये नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। मतलब अगर ये स्टेटमेंट को देखा जाए, इसको समझा जाए तो उच्च स्तरीय कमेटी बनाया हुआ भी 10 दिन हो चुका है और इसके बाद लग रहा है कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से नोटिफिकेशन फिर से आ सकती है। इसमें खास तौर पर सातवीं जेपीएससी में ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी लोग इसमें फॉर्म भरे उनको पीटी परीक्षा से ही दिया जाएगा रिजर्वेशन, क्योंकि पीटी परीक्षा पर ही सबसे ज्यादा विवाद था, इसलिए पीटी परीक्षा पर ही लिया जा रहा है कि पीटी परीक्षा पर रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो है, हालांकि झारखंड में 14 लाख से ज्यादा जाति और आवासीय प्रमाण पत्र फंसा हुआ है, नहीं बना है, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास पहले से सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पीटी एग्जाम में ही आपको आरक्षण मिल जाएगा। अभी तक जो हो रहा था, पीटी में आरक्षण नहीं मिलने के चलते ही विवाद खड़ा होता था और इसे लेकर परीक्षा रद्द करने की मांग भी की जाती थी। छठी जेपीएससी को लेकर भी ये चीजें आई हैं सामने कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद अगर अनियमितता का पता चलेगा तो फिर ही जाकर के कैंसिल की जा सकती है, लेकिन अन्यथा कैंसिल नहीं होगी। छठी जेपीएससी का रिजल्ट जो है वो मार्च महीने के में ही आ जाएगा और इसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, यह भी लगभग साफ हो गया है। लेकिन सातवीं जेपीएससी में सिलेबस वही रहेगा, नई नोटिफिकेशन में उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। पीटी में एक पेपर होगा झारखंड का और एक पेपर जनरल स्टडी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन झारखंड के ही होंगे और झारखंड के क्वेश्चन को समझने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर 9431156794 नंबर पर आप अपना मैसेज कर देंगे ताकि 7th जेपीएससी वाले जो ऑनलाइन क्लासेस हमारे शुरू हो रहे हैं उसमें आपका नाम रजिस्ट्रेशन किया जा सके। अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि आप तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखिए। आप एनसीईआरटी से तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, हालांकि एनसीईआरटी को आधार बना करके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है, उसको देख सकते हैं। सबसे ज्यादा समस्या फिर से झारखंड पर ही आ रहा है कि पहला पेपर में भी झारखंड के प्रश्न है, दूसरा पेपर तो पूरा का पूरा झारखंड है। इसी प्रकार से जब मेंस एग्जाम की बात की जाएगी झारखंड में तो उसमें 4 पेपर जनरल स्टडी है और उसमें भी इतिहास जैसे आप पढ़ते हैं, पहला पेपर जो इतिहास है जीएस में और ज्योग्राफी है तो झारखंड के संदर्भ में वहां भी जानना है, दूसरा पेपर भारत का संविधान है झारखंड के संदर्भ में वहां भी जानना है, तीसरा इकोनॉमिक्स और चौथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो झारखंड के संदर्भ में अगर देखा जाएगा तो दोनों चीजें साफ साफ दिखती है। अब इसमें इसको दूसरा एंगल से आप सोचें कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अगर उसके साथ वो झारखंड की चीजों को जान जाते हैं तो उनकी तैयारी जो है वो उस रास्ते पे निश्चित रूप से आ जाएगी, तो ये भी एक अच्छा तैयारी माना जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर है और लैंग्वेज पेपर में हिंदी, इंग्लिश, कुरमाली, संथाली, हो, मुंडारी जो भी भाषाएं हैं, इसके लिए खुर्था हमारे पास एक विशेष टीम है जो लैंग्वेज पेपर की तैयारी करवा रही है। तो लैंग्वेज पेपर के लिए आप अभी से भी तैयारी कर सकते हैं अथवा एग्जाम के समय भी अगर आप 2 महीने की समय निकाल लेते हो लैंग्वेज पेपर की तैयारी हो जाएगी। जो स्टूडेंट या व्यूअरशिप नोट्स चाहते हैं वो हमारे नंबर पर अपना नाम मैसेज कर देंगे जो नीचे नंबर आ रहा है, तो उनको नोट्स की व्यवस्था करवा दी जाएगी और उनको क्या फीस स्ट्रक्चर उनको देना होगा भी बताई जाएगी। लेकिन खबर ये है कि सातवीं जेपीएससी की जो वैकेंसी है नए सिरे से वो आने वाली है और इस पर नियमावली बन गई है। खास तौर पर सिर्फ सुधार किया जा रहा है, बाकी सारी चीजें पुरानी रहेगी, सिर्फ सुधार वाला जो कॉलम है वो रिजर्वेशन को लेकर के, प्रारंभिक परीक्षा का रिजर्वेशन नियमावली को खाली बदला जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें